दो लोगों के लिए बहुत अच्छी है। मतलब आप अगर कुछ ऐसा रोमांटिक प्लान करना चाहते हो मुंबई के पास, किसी भी चीज को सीजन्स में ट्राई करने का जो मजा होता है ना वो अलग ही होता है। बट मुझसे पूछो तो मजे लेने का कोई सीजन नहीं होता, एंड इसीलिए आपके लिए मैं लेके आती हूँ हर हफ्ते किसी भी सीजन में ऐसे नए नए प्यारे प्यारे स्टेकेशंस जहाँ पे आप अपने मजेदार स्टेज प्लान कर सकते हो। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल चॉप मंच रिपीट एंड वेलकम बैक टू येट अनदर स्टेकेशन ब्लॉग। आई एम क्षमा एंड आज मैं आपको लेके आई हूँ करजत में एक धामनी नाम के विलेज के इस ब्यूटिफुल 1 BHK बुटीक विला में, विच कम्स विद अ लवली प्राइवेट पूल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी, तो आप में से जो कोई भी लोग यू नो बजट में प्लान बनाना चाहते हैं उन लोगों को ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो की एंड में मैं आपको बताऊंगी यहाँ का कंप्लीट प्राइसिंग, स्टे का, खाने का, उसी के साथ इस प्रॉपर्टी को बुक करने के लिए आपको जो बुकिंग डिटेल्स लगेंगी वो भी। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोस्त जो मेरे चैनल पे नए आए हैं। हाई गाइज, माई नेम इज क्षमा एंड आई क्रिएट content about beautiful travel, staycations, food, lifestyle, everything that you and I we love a lot. So if you enjoy watching my video, don't forget to hit that like button. Also comment down your thoughts and do subscribe to my channel. And with that, let's start with a beautiful property tour. You guys are gonna love it. Welcome to our stay for today. So aap enter kar rahe hain Ikaris mein. This is a 1 BHK villa like I told you. And yahan pe aaj ka hamara lovely stay hone wala hai. As you enter inside this, sabse pehle आपको यहाँ पे मिलता है बहुत प्यारा सा ड्राइंग रूम। यू कैन सी बहुत ऐसे समरी वाइब चल रही है विद दिस ब्राइट येलो वॉल। यहाँ पे ना ये सोफा कम बेड दिया हुआ है। सो इन दिस प्रॉपर्टी आप दो लोग आ सकते हो या फिर चार लोग भी आ सकते हो, बिकॉज इट्स 1 BHK। सो एक बेडरूम एंड दिस वन विद दिस सोफा कम बेड, दिस कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज अ कम्फर्टेबल बेडरूम। यहाँ पे ना इन्होंने, हम यहाँ से बाहर जाएंगे बट उससे पहले, इन्होंने यहाँ पे ये टीवी दिया हुआ है। टीवी के साथ देयर इज अ रेफ्रिजरेटर एंड यहाँ पे ना आप साइड देख सकते हो बहुत ही क्यूट सा डाइनिंग सेटअप है। ये प्लेस है ना गाइस दो लोगों के लिए बहुत अच्छी है। मतलब आप अगर कुछ ऐसा रोमांटिक प्लान करना चाहते हो मुंबई के पास एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड मच, देन दिस प्लेस इज अ माइंड ब्लोइंग ऑप्शन फॉर यू। यू कैन सी देयर आर स्मॉल वाइन ग्लासेस एंड एवरीथिंग, यू नो, तो आप अपने क्यूट डेट सेटअप यहाँ पे कर सकते हो। बिफोर गोइंग आउटसाइड, यहाँ पे इसी एरिया से लग के ये है किचन स्पेस। सो दिस इज अ बेसिक किचन दे हैव प्रोवाइडेड। यहाँ पे इन्होंने ये देख सकते हो ग्लासेस एंड ऑल प्रोवाइड किए गए है, कुछ क्रॉकरी भी दी हुई है। There is a microwave oven. अभी यहाँ पे खाने की क्या सुविधा है वो मैं आपको इस प्रॉपर्टी टूर के बाद दिखाऊंगी, बट तब तक आप लोग देख सकते हो ड्राइंग रूम से अटैच्ड इन्होंने यहाँ पे ये वॉशरूम भी दिया हुआ है। सो दिस प्रॉपर्टी हैज 2 वॉशरूम्स। वन इज दिस प्रिटी क्लीन वॉशरूम, वेस्टर्न टॉयलेट है, गीजर है, वो सारी फैसिलिटीज है जो आप लोग को लगेगी। एंड नाउ आई विल टेक यू टू माई फेवरेट पार्ट इन दिस एंटायर स्टे। जस्ट वेट टिल यू सी द बेडरूम, इज so pretty, come. So this is the beautiful bedroom they have. मैंने ना जानबूझ के इनकी lights ऐसे dim रखी हुई है। You can see how cozy it feels. Very nice and clean. Linen and mattresses they have provided. Towels. उसी के साथ जब आप अंदर आओगे, you can see कि यहाँ से ना बाहर प्यारा सा swimming pool का access है। बाहर जाने से पहले आप देख सकते हो entire room की vibe काफी romantic है। मतलब यहाँ पे there's a small dressing area. Along with it, I love the color theme. Have selected, मतलब you know ये काफी एक calming, chill effect दे रहा है। There is one more washroom which is here. It is exactly same as the washroom you saw outside. And यहाँ पे मेरे left side पे आप लोग देख सकते हो, so this is the wardrobe area they have provided, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, luggage रख सकते हो। Let me switch on the lights. And यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने एक छोटा सा desk भी दिया हुआ है, that's a sitting provided. So you know अगर आप अपना vacation plan करना चाहो, then you can come here. They provide free Wi-Fi. So network की चिंता मत करो। Also जियो का नेटवर्क आ जाता है यहाँ पे, सो नॉट टू वरी। एंड अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ ऐसी जगह जहाँ आप जाना चाहते हो, योर प्राइवेट स्विमिंग पूल एरिया। सो सीधा आपको ड्राइंग रूम से बाहर आते ही योर्स योर स्विमिंग पूल। यू कैन सी वेरी नाइस, वेरी कोजी स्विमिंग पूल, काफी साफ पानी है, नॉट टू वरी। एंड पूल साइड में ना देर इज अ लॉन एरिया विद दीज रॉकिंग चेयर्स, वेर यू कैन लाइक रिलैक्स, रीड अ बुक और हैव योर ब्रेकफास्ट, एनीथिंग दैट यू लव। देर इज ऑल्सो सिटिंग एरिया प्रोवाइडेड here, so if you wanna have some party or something, उसके लिए भी सारी facility है। And one very important thing I'd like to mention, as you can see कि इस property के front में ही this is the open space, so you need not worry about the privacy, because आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ये curtains provide किए गए हैं। If you're coming in couples and if you want to spend some private time, then you can just
टांटारा। बिल्कुल 100% प्राइवेसी मिलेगी आपको यहाँ पे विद दीज लवली कर्टन्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल यू नो हल्की हल्की बर्ड चॉपिंग चल रही है, वाइब काफी अच्छी है, मतलब आई एम लविंग इट। विद दैट आई एम गोना फिनिश दिस प्रॉपर्टी टूर राइट हियर। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, दिस प्रॉपर्टी इज एंटायरली एयर कंडीशन, तो आप गर्मियों में भी आ सकते हो। इनफैक्ट गर्मियों में काफी अच्छी चिलिंग थी अंदर। ये अभी मैं प्रॉपर्टी टूर शूट कर रही थी तो मैंने एसी बंद कर दिया था, दैट्स व्हाई आई एम स्वेटिंग। बट अदर देन दैट यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपको रूम में काफी अच्छा एम्बियंस मिलेगा। उसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे खाने के बारे में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, सो व्हेन यू कम हियर नो बुकिंग के बाद आपको इनकी तरफ से इनके केयरटेकर का नंबर प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विद टू मेन्यूज। सो दे हैव अ इन हाउस रेस्टोरेंट इन साइड दिस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो देर इज वन ढाबा आउटसाइड, सो आपको जहां से चाहिए वहां से ऑर्डर कर सकते हो। एंड इनफैक्ट अभी मैं यहीं से खाना खाने ही जा रही हूँ। यू कैन सी लिटरली ऐसे सामने है ये इन हाउस रेस्टोरेंट, तो आपको बस इतना चल के जाना है। एंड आज मौसम भी थोड़ा सा मेहरबान हो रहा है, देखो बादल आ रहा है, तो आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंजॉय माय लवली मील। यहाँ पे आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों में ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं आज वेज ही खाने वाली हूँ बिकॉज आज रामनवमी है, सो आई एम नॉट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन। बट अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग वेज एंड नॉन वेज कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। एंड विद दैट नाउ लेट जस्ट गो हैव लंच, मैन आई एम टू हंग्री, लेट्स गो। Done with my lunch. आज बहुत अच्छा खाना था, मतलब जो कुरकुरी भिंडी मैंने खाई है ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। A lot of you might have guessed कि where I am in holiday में right now। मैंने आप लोगों को यहाँ की बहुत सारी properties दिखाई है, but आज मैं जिस place में हूँ ना, honestly मुझे यहाँ की vibe बहुत अच्छी लग रही है। This place has it all। इनका swimming pool भी बहुत अच्छा है, इनकी location भी बहुत अच्छी है, and उसी के साथ मतलब it's a very cozy place। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मैं बहुत मतलब दोपहर को बाहर ही थी because we had to shoot outdoor, but उसके बाद रूम में मस्त चिल करके अब मैं आके बैठी हूँ बाहर या ओपन लॉन में, थोड़ा सा ऐसे यू नो खुली हवा में सांस लेने का मजा ले रही हूँ। ऐसे टाइम पे ना बाहर आके बहुत अच्छा लगता है। मतलब गर्मियों में बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे यार इतनी गर्मी में क्या करेंगे बाहर जाके, बट गर्मी में जब आप ऐसी प्लेसेस में आते हो ना तो फिर देखो घर में तो गर्मी होती है, बट बाहर आके ना जब आप ऐसी प्रॉपर्टीज में रहते हो, आपके पास स्विमिंग पूल होता है, ओपन एयर होती है, आजूबाजू इतनी हरियाली होती है ना, तो थोड़ा तो एटलीस्ट वो गर्मी का असर कम लगता है, थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है ना। अभी जैसे विद यू नो सन हैज गॉन डाउन, तो अभी धीरे धीरे सब कुछ ऐसे हल्का हल्का ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्जत में ना दोपहर को गर्मी ज्यादा होती है तो शाम को मतलब प्लेजेंट भी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। मुंबई की तरह नहीं, मुंबई में तो आजकल शाम को भी उतनी ही गर्मी का भपका आ रहा है, बट यहाँ पे अच्छा लग रहा है अभी यू नो आई कैन ऑलरेडी फील कि इट्स लाइक 6 o'clock इन द इवनिंग एंड ऑलरेडी ऐसे हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। ये बाय द वे एसी के कंप्रेसर की आवाज है जो बैकग्राउंड में गूंज रही है। लुक एट दिस बॉय। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरे हाथ में ये फोन और कैमरा नहीं देख सकते? तुम चिल कर रहे हो या चिली के पकोड़े बन रहे तुम्हारे यहाँ गर्मी में? तुम अभी एसी से बाहर आ रहे हो ना, मैं अभी यहाँ पे शांत बैठी हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। ग्रैब दैट रॉकिंग चेयर एंड सिट हियर राजा रानी की तरह। विल बी द फर्स्ट राजा रानी इन सेंचुरी जो ऐसे रॉकिंग चेयर पे बैठेंगे। ये चिल है ना, ये मतलब ऐसे सेट फॉर पूल, एकदम स्विम सूट पहन के अभी चलेंगे बाहर। क्या वाइब हो रही है बाहर पता है, दिखाती हूँ आपको, दो मिनट रुको। ये मैं अपनी चार्जिंग केबल निकाल लूं। वेट अ मिनट, लुक एट दैट, गुड वाइब्स ओनली। पूल देख रहे हो? माय गॉड दिस लुक सो कूल डूड। ये मैंने सुबह नहीं देखा था। यू कैन सी द वेव्स एंड इतना मस्त लग रहा है ना ये लाइट्स के साथ। वाओ, लेट्स गो। लॉट ऑफ टाइम पीपल आस्क मी कि आपको प्राइवेट पूल प्रॉपर्टी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ना, जब आप कॉमन पूल वाली प्रॉपर्टीज में जाते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 90% ऑफ द टाइम ना वहाँ पे होता है टाइमिंग्स, ठीक है, तो आपको उनके टाइमिंग के हिसाब से अपने पूल के टाइमिंग एडजस्ट करने पड़ते हैं। अभी देखो हम लोग कैसे शाम के टाइम पे बढ़िया यहाँ पे पूल में आए हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से, यू नो इट्स अ वेरी कूल थिंग। एंड अदर देन दैट ऑफ कोर्स यू हैव अ कंप्लीट प्राइवेसी। हमने वैसे ये बंद नहीं किया है पीछे का कर्टन क्योंकि हमें सामने की लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है, और ऐसा क्या ही है जो इतना छुपा रहा है।
है बट ऑनेस्टली राइट नाउ वी आर एंजॉयिंग अ वेरी नाइस इवनिंग ड्रिंक. डोंट वरी, दिस इज हैप्पी फिस्ट एंड वी गोना हैव अ ग्रेट टाइम. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, हमने कुछ यू नो यहाँ से स्नैक्स एंड ऑल मंगाए हैं एंड वी गोना हैव अ लिटिल स्मॉल पार्टी. लिटिल स्मॉल पार्टी दोनों साथ में, ठीक है, स्मॉल पार्टी हो ही. इट्स डे टू इन इकारिस. आज हमारी सुबह बहुत फ्रेश हो रही है. ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, बट निकलने का वक्त हो गया है. यहाँ पे आपको चेक इन चेकआउट टाइमिंग्स मिलते हैं. पहले दिन 1 PM से लेके सेकेंड डे 11 AM तक. दैट इज लाइक अ वेरी नाइस पीरियड, यू कैन एंजॉय हियर. अदर देन दैट, लाइक आई टोल्ड यू कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ की कम्प्लीट प्राइसिंग डिटेल्स बताऊंगी. तो मैंने ये स्टे बुक किया हम दोनों के लिए 5,000 में एंड उसी के साथ इस पूरे स्टे के दौरान हमारे खाने का खर्चा हुआ अराउंड 1,300 rupees. तो अगर आप लोग भी ऐसे affordable stay plan करना चाहो then you can definitely refer this and book करने के लिए यहाँ पे दिए हुए number पे आप लोग contact कर सकते हो, call कर सकते हो, WhatsApp कर सकते हो, whatever fits you right. With that I'm gonna end this video right here. रही बात मेरे stay experience की, it has been really pleasant. मतलब you know इतना refreshing quick staycation था. एक तो ये करजत में है, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ तो मुझे वैसे ही ये पास में पड़ता है. But other than that also you know यहाँ पे ऐसे hills के बीच में इतनी गर्मी में, बाहर गर्मी होते हुए भी अंदर room में इतना प्लेजेंट लग रहा था, पूल में इतना मजा किया. तो ऑफकोर्स ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत 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 अच्छा रहा है. सो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड इट टू यू गाइस एंड आई एम गोना साइन ऑफ राइट हियर. बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, इस वीडियो का शाउट आउट जाता है इस कमेंट को. आई विश आई न्यू योर नेम, बट आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार बरसाते हो एंड यू गाइस आर सो कंसिडरेट ऑफ ऑल द एफर्ट्स वी टेक फॉर मेकिंग दीज वीडियोज एंड फॉर यू नो मेकिंग दीज प्रॉपर्टीज रीच आउट टू यू गाइज. आई लव यू ऑल. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए 54 रुपीज को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे. बाय गाइस, लव यू, टेक केयर.